मुसव्वर जहांगीर साबर ने आयल पेंट के जरिए वादिये कोटा के हुस्न को जिस खूबसूरती के साथ कैनवस पर उतारा है, इसे देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के सयाह इस वादी की दिलकशी को देखने इस खित्ते में क्यों आते थे। मुसव्वर ने अंग्रेज़ दौर की खूबसूरत बिल्डिंग्स, वादिये कोटा के मुख्तलिफ मौसमों, लोगों के रहन सहन और फलों के साथ 1935 के जलजले की जो अक्सबंदी की है, उसने नुमाइश देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। ओरिजिनल क्वेटा की जो पिक्चर्स थी उनको जो ब्लैक एंड वाइट दौर में जो स्टिल फोटोग्राफी की गई थी उनको लेकर मैंने अपने कलर्स उसमें डाले, वो मैंने पेंट करके वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि जो एक सुकून है आपको स्काईज में, इस एटमॉस्फेयर में आपको अमन नज़र आएगा, एक रूहानियत नज़र आएगी। कमिश्नर कोयटा डिवीजन और सेक्रेटरी सकाफत ने मुसव्वर की काविश को सराहते हुए कहा कि इस तरह की नुमाइशों का इनेकाद ना सिर्फ कोयटा बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होना चाहिए ताकि लोगों को इस खित्ते की तारीखी अहमियत और कुदरती खूबियों से मुतारफ करवाया जा सके। नुमाइश में आए हुए लोगों की बड़ी तादाद ने पेंटिंग्स में गहरी दिलचस्पी ली। उम्मीद करते हैं कि इसको बाकी पाकिस्तान के शहरों में भी जो है ना ये एग्जीबिशन होगा और लोग क्वेटा से वाकिफ़ होंगे कि 1935 के जलसे से पहले क्वेटा क्या था और उसके बाद क्या है और आजकल क्या है। कोई हमारी ऐसी प्रिजर्वेशन जो है ना अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है फिल्मिंग या माइक्रो फिल्मिंग के हवाले से जिनको हम ये सही मायनों में दिखा सकें, लिहाजा जहांगीर साहब की ये कोशिश इंतहाई काबिल तारीफ है। लोगों का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों के ज़रिए हम अपने दरख्शां माजी और खित्ते की जुग्राफियाई हैसियत को बआसानी समझ सकते हैं। कोयटा में जंजला आया हमने तो नहीं देखा, इन तस्वीरों के ज़रिए हम उस कोयटा को देख रहे हैं कि वो कितना खूबसूरत था। 31 मई 1935 के जलजले को 76 बरस बीत चुके हैं लेकिन आज भी इस वादी का हुस्न देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। मुसव्वर ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए माजी के उस कोयटा की याद ताज़ा कर दी जो अपनी खूबसूरती और दिलकश कुदरती मनाजर के साथ दुनिया भर में अपनी मुनफरद हैसियत रखता था। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।